सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो डी फाइव चैनल पंजाबी ते मैं बलविंदर बिट्टू। एस वाई एल नूं लैके लगातार सियासत गरमांदी जा रही है, जिथे वख-वख लीडरां दे बयान सामने आ रहे ने। उत्थे ही कल हरियाणे दे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर वल्लों एस वाई एल नूं लैके एक वड्डा बयान दिता गया सी। पहला तुसीं ओह बयान सुनो। एस वाई एल के ऊपर एक ऐसा स्टैंड जिसकी लड़ाई हम 2014 से लगातार लड़ रहे हैं, उस स्टैंड पर वैसे तो पहले भी मोहर लगा दी थी उन्होंने कि एस वाई एल तो बनेंगी, इसको सब सरकारें मिल करके बैठ करके आपस में करें, ऐसा सारी बातें की थी। अब इस बार सुप्रीम कोर्ट ने कदम और बढ़ाते हुए कि जो जमीन वापस कर दी थी वो भी केंद्र सरकार उसको अधिग्रहण करके उसको सुरक्षित करे एस वाई एल की, और मेनली सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा है कि इसका रास्ता निकाले। जनवरी तक का टाइम दिया 3 महीने का, कि 3 महीने के अंदर इसका रास्ता निकाल करके, और चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट अब कैसे निकालेंगे और क्या करेंगे इससे बात करेंगे अलग बात है, लेकिन इतना एक स्पष्ट जिसको कहना चाहिए निर्णय ये सुप्रीम कोर्ट का जो आया है, इसके लिए मैं सुप्रीम कोर्ट को हरियाणा की जनता की ओर से बहुत बहुत बधाई भी देता हूं और उनकी सराहना भी करता हूं, उनका धन्यवाद भी करता हूं। सो हुण हरियाणा दे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर नूं जवाब दिंदे होए नजर आए ने आम आदमी पार्टी दे बुलारे मालविंदर सिंह कंग। उन्हां एस वाई नूं लैके कोरी ना कर दित्ती है। उन्होंने हरियाणे नूं कहा कि ना साडे कोल पाणी है ते ना ही साडे कोल जमीन आ, ना होर की कुछ कहा, तुसीं वी सुणो। खट्टर साहब, मैं एक गल बड़ी स्पष्ट करदा, पंजाब दी मान साहब दी सरकार एक बूंद भी पाणी दा जिहड़ा आ उह देण वाली नहीं है तुहानूं। और जिहड़े तुहाडे मनसूबे आ ना कि एस वाई एल दे नाँ ते पंजाब और किसानां दे पंजाब और हरियाणे दे किसानां च अग लाइए, ये मनसूबे भी तुहाडे च कामयाब नहीं होने। तुहाडा टिल दा जोर लग्या है हरियाणे च, ते साडे पंजाब च अकाली दल बादल दा जोर लग्या कि लोकां नूं लड़ा दो ते अपनी राजनीति कर लो। अतीत च बहुत लड़ाइयां करा लईआं, बहुत खून खराबा हो गया। पंजाब ने हमेशा वड्डा दिल दिखाया जदों तक उहदे कोल अपने रिसोर्स सीगे, लेकिन अज पंजाब दी स्थिति इह आ कि पंजाब को ना तो पानी है ना नहर बनाउण लई कोई जमीन है। जदों पानी नहीं हैगा तो नहर बनाउण दा तो कोई मकसद नहीं हुंदा। सो मान साहब की सरकार पंजाब दे हक्कां नूं लैके, पंजाब दे पानियां नूं लैके पूरी तरह सचेत है, चौकस है। एक बूंद भी जिहड़ा पानी है वह असीं नहीं दे सकते। आने वाले समय दे विच वेखना होवेगा कि इस मसले नूं किवें हल कीता जांदा है, पंजाब दे पानियां नूं किवें रोकिया जांदा है, ते हुण इहदे उपर केंद्र की फैसला लैंदी है तां आने वाला समां ही दसेगा। कैमरामैन शंकर दे नाल मैं बलविंदर बिट्टू, तुसीं देखदे रहो डी फाइव चैनल पंजाबी। निडर हां, निरपक्ष हां, आजाद हां, सच कहां, गल करांगे सियासी हवा दी, होणगे हुकमराना नूं सिद्धे सवाल। सब तो पहला पहुंचावांगे तुहाडे तक सिर्फ सच्ची खबर, दसांगे कौन कर रहा है थोड़े ते सबर, विदेशां च बैठे पंजाबियां दे हक दी करांगे गल, कैनेडा दी हर सियासी खबर लेके आवांगे तुहाडे वल, उभरांगे पंजाब दी आवाज बन, होणगे हर पहलू ते रोज चर्चे, खोलांगे अंदरूनी राज, बणांगे बुलंद आवाज, खेड सिक्ख्या सेहत खेती दी बात पावांगे, हर पिंड हर शहर जावांगे, मनोरंजन नाल जुड़े कलाकारां नाल करवावांगे मुलाकात, संघर्षां वाली जिंदगी ते मारांगे चाल, की ने साडे कानून फर्ज ते अधिकार, की करदी है साडी सरकार, की है तुहाडी मुश्किल दा हल, D5 चैनल पंजाबी दी कचहरी च होवेगी सिर्फ लोकां दी गल, धर्म धरोहर सेहत और संस्कृति की होगी बात, अब D5 चैनल हिंदी भी होगा सर, D5 चैनल पंजाबी, अपनी धरती अपने लोक। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਲਰਾਜ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਚ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ।